गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से एक न्यू सीरीज के साथ आए हैं। न्यू सीरीज में एक बीच का ही एक टॉपिक, हम मैट्रिक्स में से एक टॉपिक बीच का ही लेते हैं। सबसे पहले वो टॉपिक कर लेते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात हम करेंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से पहले आपको डिटर्मिनेंट आना चाहिए। डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। मतलब कि एक ऐसा पहले मैट्रिक्स को लेंगे जिसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो होता है तो उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का यूज होगा, इसीलिए हम वो चीज आपको बता रहे हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है? तो ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए ए ट्रांसपोज ए इनटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इनटू ए। मतलब कि एक मैट्रिक्स आपको लेना है ए और उसको ट्रांसपोज कर देना है, और दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए, किसका मैट्रिक्स ए का और उसका ट्रांसपोज का। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर रिजल्ट आइडेंटिटी आ गया तो उस मैट्रिक्स को हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब कोई भी मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज कीजिएगा, उससे पहले आपको ये बात को देखना होगा, कुछ टर्म है उस बात को आपको ध्यान में रखना है कि हम कैसे पहचानेंगे कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है हमको ट्रांसपोज और मल्टीप्लाई करने से पहले। तो अगर किसी भी रो का आप तो मैट्रिक्स के किसी भी, अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसके कोई भी रो उठाइए, उस रो के एलिमेंट को आप स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करके आप सम करते हैं तो रिजल्ट हमेशा आपको वन के बराबर आएगा। या आप दो रो को आप लीजिए और दो रो को कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कीजिए और उसको सम कीजिए तो रिजल्ट आपका जीरो के बराबर आएगा। मतलब द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी रो इज वन, द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन एनी रो इज मल्टीप्लाइड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन एनी अदर रो इज जीरो। मेरे पास दो एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल ए ये और दूसरा एग्जाम्पल ये है। अब इसका देखिए, ये दोनों चीज को देखते हैं। किसी भी रो को उठाइए और उसको स्क्वायर कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जीरो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, सिर्फ ये वन है तो वन का स्क्वायर वन ही होता है। तो ये वाला प्रॉपर्टी तो मेरा होल्ड कर रहा है। दूसरा, आप कोई भी दो रो को उठाइए, cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा तो माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस जीरो प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा, रिजल्ट क्या मेरा आ गया, जीरो आ गया। तो इसका मतलब कि ये आप, या ऐसे भी आप इसको चेक कर सकते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालिए और इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो a इंटू ए डैश हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बराबर आएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल भी ये है, इसका भी देख लीजिए। आप क्या कीजिएगा, ये 1/3 है, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 आता है, और 1/3 का स्क्वायर 9 आता है, 9/9 1। आप इसको मल्टीप्लाई करके जाइएगा, 1 × 2 2 × 1 2+2 4 −2 × 2 4 0। तो आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को आपको चेक करना है तो ये दो बात को देखना है, कोई भी रो को उठाना है और रो के एलिमेंट को स्क्वायर करके सम कीजिएगा तो रिजल्ट वन, और कोई दो रो को आप मल्टीप्लाई करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अगर हमसे कोई पूछेंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है तो इतना बोलने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल बोलेंगे कि अगर कोई एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जो ए इंटू ए डैश बराबर आई अगर हमको देता है तो उसी ए मैट्रिक्स को हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें कुछ थ्योरम आते हैं, वो थ्योरम को हम देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोले क्या कि प्रूफ दैट एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर कहने का मतलब क्या है कि इसका, जब भी नॉन सिंगुलर हमको प्रूफ करना होगा इसका मतलब क्या है कि उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं होगा, जीरो के अलावा होगा। तो बोला कि अब कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेके आइए, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो।
तो लेट ए बी एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मान लिए कि ए क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और ए डैश यहाँ ले लेते हैं, ए डैश बी द ट्रांसपोज ऑफ ए है, ये क्या है मेरा ए डैश जो है वो क्या है ट्रांसपोज ऑफ ए है, हमको शो करना है क्या कि ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स करने का मतलब है कि डेट इज मॉड ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो लैंग्वेज में थोड़ी प्रूफ करेंगे, कोई रिजल्ट तो मेरा इसी टाइप से है, हमको दिखाना है कि उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या होगा जीरो नहीं होगा, अगर हम दिखा देंगे तो मेरा कोई जो मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल दिया हुआ है तो पहले हम इसको चेक करने के ऑर्थोगोनल को केस को लेके चलेंगे और उसको दिखा देंगे कि उसका डिटर्मिनेंट जो है जीरो के बराबर नहीं है। तो हमको क्या दिया है फॉर दिस ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। जब हम ए को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो हमको दिया हुआ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मतलब कि दैट इज क्या दिया हुआ है ए इंटू ए डैश इक्वल्स टू मेरा क्या आ जाएगा आइडेंटिटी आएगा, कोई दिक्कत, हम दोनों तरफ मॉडुलस लगा दिए, क्या लगा दिए दोनों तरफ मॉड लगा दिए, मॉड ए इंटू मॉड ए डैश इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम क्या कर दिए वन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मॉड लगा दिए, एक रो ये जानते हैं क्या कि मॉड ए इंटू बी जो होता है वो मॉड ए इंटू मॉड बी के बराबर होता है, उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मॉड ए इंटू मॉड ए डैश, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वन होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है वन होता है। एक और बात हम जानेंगे मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ ए ट्रांसपोज का दोनों का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है, क्या होता है इक्वल आता है, इसका मतलब है कि मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ ए डैश के जगह पे मॉडुलस ऑफ ए ले लेते हैं इक्वल टू क्या आ गया वन आ गया, इसका मतलब है क्या कि मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया वन, तो दिस इंप्लाइड दैट मॉडुलस ऑफ ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस वन क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, अब प्लस माइनस वन आ गया तो ये मेरा क्या है नॉट इक्वल्स टू जीरो, मॉडुलस ऑफ ए यही ना निकालना था मॉड ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो मॉड ए का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस वन, इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट जो है कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो वो क्या होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वो कभी भी ऑर्थोगोनल नहीं होगा, तो देन वी से दैट क्या हो गया मेरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, तो ये मेरा प्रूफ हो गया। इसी तरह से हम कोई भी क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे, ठीक है।